प्रिय विद्यार्थियों, RCI एजुकेशन अब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको आप अच्छी तरह लगन और रुचि से करते रहें, जिससे आपको आगे परीक्षाओं में, टेस्ट में कोई परेशानी नहीं आए। क्योंकि समय को देखते हुए अपन वीडियो के माध्यम से आपको जो मैटर दे रहे हैं उसको आप अच्छी तरह पढ़ते रहें, क्योंकि जो वीडियो के माध्यम से मैटर दिया जा रहा है वो क्लास जैसा ही है, क्लास जैसा ही मैटर आपके सामने भेजा जा रहा है। अतः आप अच्छी तरह ध्यान देकर कि इसको पढ़ते रहें। जैसे आज का जो संधि का जो मैटर है वो है विसर्ग संधि का विसर्ग भेद। प्रिय विद्यार्थियों, विसर्ग संधि चल रही है जिसमें विसर्ग संधि का जो विसर्ग ही भेद है इसका सूत्र है वासरी। जब वासरी का मतलब क्या है कि जब विसर्ग से परे ये वर्ण आ जाएं, विसर्ग से परे ये वर्ण आ जाएं, स शरीफा, स षटकोण, स सवार वर्ण होने पर संधि करते समय विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। ये ध्यान रखें कि विसर्ग के आगे जब स आता है किसी कोई सब से, चाहे स शरीफा हो, चाहे स षटकोण हो, चाहे स सवार हो, कोई सब स आ जाए तो संधि करते समय विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। जैसे हरि ही सेते, अब विसर्ग के आगे क्या है, स। पदों में विसर्ग से परे स है, वर्ण आया है तो संधि करते समय हरि ही सेते बना है। जैसे अन्य उदाहरण है इसके, अन्य उदाहरण इसी के, जैसे निहि संदेह है, निसंदेह है, निरपय षष्ठ है, निरपय षष्ठ है, रामय सेति, इत्यादि शब्द, ये शब्द बने निसंदेह, नि प्लस संदेह, निरपय प्लस षष्ठ है, रामय प्लस सेति, ये शब्द आए हैं। इनका विच्छेद करने पर विसर्ग से आगे स है, इस विसर्ग से आगे ये स है, इस विसर्ग से आगे ये स है, तो संधि करने पर ये ज्यों के त्यों शब्द बने हैं। ज्यों के त्यों में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि विसर्ग से आगे जब स शरीफा, स षटकोण या स स्वार वर्ण आते हैं तो संधि करने पर वो ज्यों के त्यों ही संधि में लिखे जाते हैं। आप ध्यान दें, इससे आगे की जो संधि है वो आपको इसी के माध्यम से बताई जा रही है। जो यह है संधि आगे रुत्व, इसमें छोटा सा ही नियम है, इसको आप अच्छी तरह याद करें, छोटा सा ही नियम है रुत्व और रुत्व संधि, ये है रुत्व संधि है। इसमें क्या है, इसमें सीधा है कि जब विसर्ग से परे, विसर्ग से परे किसी भी वर्ग का, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो आए तो संधि करने पर विसर्ग का रे होगा। प्रिय विद्यार्थियों, विसर्ग से परे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, वैसे इसमें ज्यादातर तीसरा वर्ण रहेगा, ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, ये तीसरा वर्ण ज्यादा रहता है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए तो संधि करने पर विसर्ग का रे होगा। जैसे अब आपको बताया जाए, जैसे यहाँ है, जैसे निहि बलम, निहि बलम, इस पद में, पद में विसर्ग से परे पै वर्ग का
तीसरा वर्ण बकार आया है तो संधि करने पर विसर्ग का रह होकर निर्बलम शब्द बना है। प्रिय विद्यार्थियों समझें कि नी प्लस बलम यह है, इसमें विच्छेद करें अपन, ये हो गया। इस पद में विसर्ग से परे, ये विसर्ग है, इससे परे पै वर्ग का तीसरा वर्ण बकार आया है तो संधि करने पर विसर्ग का क्या होगा, रे, कैसा रे होगा, ऐसा रे होकर निर्बलम शब्द बना है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है, निर्धन है, नहीं प्लस धन है, निर्धन है, निर्मम है, निर्गच्छति, निर्जनम, निर्जनम, निर्गच्छ इत्यादि, ये शब्द बने हैं। प्रिय विद्यार्थियों रुत्त में क्या है कि जब विसर्ग किया परे, जब विसर्ग से परे किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, इन पांच तीनों वर्णों में ये जो वर्ण है ये ज़्यादा रहता है, इसमें तीसरा ज़्यादा आता है, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण ज़्यादा आता है, इसमें तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण में तीसरा वर्ण ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है तो संधि करने पर विसर्ग का ये रह होगा, कैसा रह होगा, ऐसा रह सारे हुआ। जैसे नहीं प्लस बलम, इस पद में विसर्ग से परे पैवर का तीसरा वर्ण बकार आया है तो संधि करने पर विसर्ग का रह होकर के निर्बलम शब्द बना है। ऐसे ही उदाहरण और हैं, निर्धन है नहीं प्लस धनम, धन है निर्मम नहीं प्लस मम, निर्गस्ति नहीं प्लस गस्ती, इसी प्रकार से निर्जनम नहीं प्लस जनम और निर्गस्ति, ये शब्द भी इसी के नियमानुसार हैं। अतः आप इनको अच्छी तरह याद करके लिखें और या लिखने के बाद में आप इसको याद करते रहें, कभी आप समय के अनुसार इसको पढ़ते भी रहें, ये नहीं कि भाई पढ़े नहीं और वैसे ही अपन टाइम पास करते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि परीक्षाएं आपकी यथा समय ही होंगी, जैसे परीक्षा का टाइम है वैसे होंगी, और इनको आप अच्छी तरह याद करके और फिर आगे का जो मैटर और पढ़ें। आज का वीडियो के माध्यम से यही आपको मैटर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।